नहीं जी, अब जो है वो हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक। आप लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अब, वो एक्चुअली है, मैं भी बुक से भी आप लोगों को जो है वो इसको दिखा देता हूँ। असल में इस टॉपिक को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, यानी ऑर्गेनिक सॉल्यूट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। बेसिकली आप लोगों को मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि यहाँ पर दो ऑपोजिट ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। प्लांट में ऑपोजिट तरह की दो ट्रांसपोर्ट्स हैं। पहली जो ट्रांसपोर्ट है उसमें आप फ्रॉम रूट टू शूट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। ये आप जो है वो दो तरह की ट्रांसपोर्ट, एक ट्रांसपोर्ट तो ये है जिसमें आप रूट टू शूट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और मोस्टली इसमें क्या यूज होता है, इसमें मोस्टली जाइलम यूज होता है, ठीक है। और इसमें जो आपके पास ट्रांसपोर्ट मटेरियल आता है वो है वाटर, और उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ है मिनरल, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल उसमें आते हैं। अच्छा, दूसरी बात, दूसरे नंबर पे जो ट्रांसपोर्ट आती है, अब यहाँ पे आपने जो है वो गौर करना है बात पे, ये जो ट्रांसपोर्ट अब आने लगी है बेटा, ये लीव या फोटोसिंथेटिक एरियाज जो है ना, फोटोसिंथेटिक पोर्शन जो है प्लांट के, अब वो स्टेम भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर बात मैंने आप लोगों को पहले भी एक दफा बताई हुई है कि फोटोसिंथेटिक पोर्शन में स्टेम भी हो सकता है, किन किस केस में, अगर वो स्टेम किस कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, ठीक है। ग्रीन स्टेम जो है वो हो सकता है कि वो फोटोसिंथेटिक हो। सो इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, वहां से वो जो फूड होगा, जो फोटोसिंथेट होगा, एक वर्ड आप लोगों के बुक में यूज हुआ है, फोटोसिंथेट। फोटोसिंथेट किसको कहते हैं? फोटोसिंथेट कहते हैं फोटोसिंथेसिस के एंड मटेरियल को, ठीक है। फोटोसिंथेट का लीव से या फोटोसिंथेटिक पोर्शन से कहाँ जाना? सिंक तक जाना। देखिए अब यहां पर सिंक क्या है? सिंक है स्टोरेज कंपाउंड, जहां पर उसकी स्टोरेज हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लीव से फोटोसिंथेट या तो सिंक तक जाएगा जहां पर उसकी स्टोरेज होगी, ठीक है। सिंक असल में हम डेस्टिनेशन को भी कहते हैं, ये जो अब जो भी चीज बनी है फोटोसिंथेसिस के जरिए, उसकी डेस्टिनेशन जो है वो सिंक कहलाती है। सो सिंक आप डेस्टिनेशन को भी कहते हैं। फोटोसिंथेट जो है वो इवन और कहाँ जा सकता है बेटा? वो फ्रूट्स में जा सकता है, ठीक है, फ्रूट्स में स्टोर होने के लिए जा सकता है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि प्लांट्स में बेसिकली दो तरह की जो ट्रांसपोर्ट है वो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें वाटर ने, वाटर हो ना हो, रूट से शूट की तरफ जा रहे हैं। दूसरी दूसरी ट्रांसपोर्ट वो है इसमें लीव्स या फोटोसिंथेटिक पोर्शन से आप फोटोसिंथेट को या सिंक में ट्रांसफर कर रहे हैं या फ्रूट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये सिंक क्या है बेटा? ये सिंक असल में स्टोरेज कंपाउंड इन रूट्स हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपना फूड रूट्स में स्टोर करते हैं, रूट्स में स्टोर करते हैं। वो कौन से प्लांट्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने है पोटैटो, ठीक है, इसी तरीके से अनियन, इसी तरीके से जिंजर, ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो है वो जिंजर के साथ साथ आपके पास आ जाता है, और जैसे कैरेट्स हैं, जैसे मूलियां हैं, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीजें, क्या हो रहा है कि फूड जहां बन रहा है उससे कहीं किसी ऐसी जगह नहीं भेजा जा रहा जिसको आप फ्रूट कहेंगे। मैंने बायोलॉजिकली आपको, अव्वल तो ये तमाम चीजें फ्रूट्स हैं ही नहीं, इनमें से कोई चीज, जितने मैंने अभी तक नाम लिए हैं इनमें से कोई चीज भी फ्रूट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ स्टोर्ड कंपाउंड्स ऑफ रूट्स हैं, ठीक है। अनियन बायोलॉजिकली कोई भी फ्रूट नहीं है, इसी तरीके से कैरेट बायोलॉजिकली फ्रूट की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, कोई भी ऐसी चीज जो एक्चुअली कहां से प्रोड्यूस हो रही हो, ओवरी से, ओवरी से प्रोड्यूस होगी तो उसको आप कहेंगे फ्रूट, ठीक है। फिर चाहे वो हमारी लोकल लैंग्वेज में वेजिटेबल ही क्यों ना हो, उसको आप जो है वो कहेंगे फ्रूट ही कहेंगे, चाहे हमारी लोकल लैंग्वेज में वो वेजिटेबल हो। सो इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो आप लोगों के पास ट्रांसपोर्ट का दूसरा मैकेनिज्म आ रहा है वो एक्चुअली लीफ या फोटोसिंथेटिक पोर्शन से आगे या तो वो स्टोरेज हाउस में जाएगा या वो फ्रूट्स में जाएगा, ठीक है। सो ये
है आपका टॉपिक ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स कहने का मकसद क्या है बेटा? ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स कहने का असल में मकसद ये होता है कि आप दो तरह की चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तीन तरह की चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज और या ग्लूकोज के आगे ऑब्लिक डाल के हम लिख लेते हैं फ्रुक्टोज, इन चीजों को आप ट्रांसपोर्ट किया करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑर्गेनिक है। इससे पहले वाटर, वाटर क्या था? ऑर्गेनिक था? नहीं, वाटर इनऑर्गेनिक है। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्ट, मिनरल्स सब इनऑर्गेनिक है। तो अभी तक तो जो आपने ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी दैट वॉज ऑल इनऑर्गेनिक। अब आ रही है ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट। ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, किस जरिए से होगी, कौन सा टिश्यू यूज होगा, अब यहाँ पर वो तमाम के तमाम जो है वो बेसिकली वो फिनोमिना आने वाला है, ठीक है। और मोस्टली आपको अच्छे तरीके से पता है कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जितने भी हैं वो बनते ही लीव्स में हैं, मोस्टली लीव्स में बनते हैं। स्टेम का भी मैंने आपको बताया था, अगर स्टेम ग्रीन हो तो स्टेम में भी बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप देखिए कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट में ट्रांसपोर्ट सोर्स क्या होगा। वहां ट्रांसपोर्ट सोर्स जो था वो जाइलम था, ठीक है। यहां पर ट्रांसपोर्ट सोर्स बदल रहा है, ट्रांसपोर्ट सोर्स बदल रहा है। यहां पर एक टिश्यू और है जो है डक्टी, डक्टस टिश्यू है। डक्टस टिश्यू का क्या मतलब होता है कि जो डक्ट बना रहा है, ठीक है। तो है डक्टी, लेकिन ये जो टिश्यू है इसको आप जाइलम की तरह नहीं कहेंगे बल्कि ये फ्लोएम होता है। इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, प्लांट के अंदर स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर वाइज भी डिफरेंट होगा। और दूसरा ये है कि जो अपना वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो लेस देन जाइलम है। जाइलम जो है वो काफी ज्यादा होता है। किसी भी वुड में, किसी भी स्टेम में, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जाइलम का वर्ड कहां से निकला है, जाइलॉन से, और जाइलॉन का मतलब है वुड। तो बेसिक जो वुड होती, असल जो वुड मौजूद है ना इसमें हमारे स्टेम्स में, वो असल में जाइलम है। फ्लोएम का थोड़ा पोर्शन होता है, ठीक है। तो फ्लोएम जो है वो अपने स्ट्रक्चर में डिफरेंट है और अपने वॉल्यूम में भी डिफरेंट है डक्ट ही, ठीक है। और ऑलमोस्ट उसी तरह बना हुआ है जिस तरह जाइलम बना हुआ है, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि वो जाइलम जो है उसकी और फ्लोएम की सिमिलैरिटी क्या है। हाँ, लेकिन जाइलम और फ्लोएम के हवाले से एक बात है कि जो फ्लोएम होता है उसके बारे में ये है कि उसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। यहाँ पर आप लोगों की बुक आपको वाजह तौर पर बताती है कि फ्लोएम के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, जबकि जाइलम में हमने पढ़ा था वो सेल डेड होते हैं, जाइलम के सेल्स डेड होते हैं। फ्लोएम के सेल्स जो है उनमें प्लाज्मोडेस्माटा भी होते हैं और दे कैन शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये फर्ज किया कि ये एक जाइलम का सेल है, ये एक फ्लोएम का सेल है, ठीक है। फ्लोएम का सेल जो है वो ऑब्वियसली ये आप उसकी जो है वो डबल वो बनाएंगे, डबल सेल वॉल बनाएंगे ये उसके अंदर, क्योंकि आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि स्टेम में जितने होते हैं उनमें जो है वो सेल वॉल डबल होती है, यानी सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है। तो एक तो ये है, ये ऐसे आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो अब यहां पर जो है वो इसके साथ एक और सेल आप आगे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे इस तरह एक और सेल आप ड्रॉ करेंगे और उस सेल में भी जो है वो डबल वॉल ही बनाएंगे, ऐसे दूसरी वॉल इसके अंदर अंदर बना लेंगे। ये जो पोर्शन है जो कि आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये असल में बिल्कुल इस तरह अपियर होता है जैसे सीव होती है, सीव, इसको आप सीव एलिमेंट कहते हैं। अब ये सीव क्या होती है बेटा? सीव वो होती है कि जब आप किसी अपने बेसिन वगैरह में हाथ धोते हैं तो जहां पानी जाता है ना, वो जो जाली होती है उसके अंदर थोड़े थोड़े होल्स होते हैं, ठीक है। या जैसे जो है वो शॉवर के साथ या किसी भी जगह के ऊपर एक जाली लगी हुई होती है, एक जाली है और उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं बेसिन के अंदर, या बेसिन के अंदर जो लोहे की जो प्लेट होती है उसके अंदर जो पोर्स होते हैं उसको आप सीव कहते हैं। तो असल में ये जो पोर्स हैं सारे, ये सीव की तरह अपियर होते हैं और एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान ये एक रास्ता होता है सीव, ठीक है। ये असल में अपनी अपेयरेंस की वजह से इसको आप सीव कहते हैं, वरना एक्चुअली ये एक रास्ता होता है। यानी अगर यहां से जो है वो आपके पास सुक्रोज है, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज यहां से उसने नीचे की तरफ मूव करना है, तो वो असल में इन तीनों से, इन तीनों डक्ट से, इन तीनों छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक पाथवे से गुजर के अगले सेल में जाएगी, सही है।
उसके बाद फिर ये अगले सेल में मूव होगी, फिर उसके बाद उससे अगले सेल में। अब इस पूरे सेल को आप क्या कहते हैं बेटा, इस पूरे सेल को आप नाम देते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। और एक सेल सीव ट्यूब एलिमेंट कहलाता है, और इस पूरी ट्यूब को आप जो है वो कहते हैं सीव ट्यूब। ये सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब जो है यानी ऐसी ट्यूब जिसमें काफी ज्यादा सीव्स हो, काफी ज्यादा सीव एलिमेंट्स हो। और सीव ट्यूब और फ्लोएम में कोई फर्क नहीं है, मतलब फ्लोएम जो है वो उसको पहले नाम दिया गया, लेकिन अपने इन सेल्स की अपीयरेंस की वजह से आप उसको सीव ट्यूब भी कह देते हैं और फ्लोएम भी कह देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसकी प्रॉपर पिक्चर देखनी है तो जरा ये देखिए सीव ट्यूब एलिमेंट वगैरह की, आपको मैं पिक्चर यहां से दिखा देता हूं। ये जरा देखिए ये पिक्चर, इसमें देखिए ये पोरस एंड वॉल की उसने बात की है, ये रीजन इसको देखिएगा, ठीक है, इसको जरा देखिएगा यहां पर के, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये सारा सीव ट्यूब है, ठीक है, ये सारी सॉरी सीव एलिमेंट है, ये सीव एलिमेंट है, ये प्लाज्मोडेस्मेट। ये एक्चुअली सीव एलिमेंट बनता कैसे है बेटा, ये सीव एलिमेंट बनता है असल में प्लाज्मोडेस्मेटा से। ये जो सीव है ना, ये असल में प्लाज्मोडेस्मेटा से बनी है, यानी वो जो साइटोप्लाज्मिक जो ऐसे रस्ते हैं ये असल में प्लाज्मोडेस्मेटा है, ठीक है। तो ये जो जितने भी पोर्स हैं ये असल में प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, और ये आप लोगों की यहां पे नीचे लिखा भी हुआ है ना, नीचे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि ईच सीव ट्यूब मेंबर इज एसोसिएटेड विद अ कंपेनियन सेल। खैर ये तो अलग बात है, यहां थ्योरी में इन्होंने इधर लिखा भी हुआ है कि ये असल में प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। और यहां इस पिक्चर को देखिए जरा, ये वाले, ये बिल्कुल ऐसे ही पोर लग रहे हैं जैसे बेसिन के दरमियान में लोहे की जो प्लेट होती है उसके अंदर पोर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वहां पर जो पोर्स हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल उस तरह से हैं जैसे वहां पर होते हैं, तो इसको इसलिए हम सी प्लेट कहते हैं, दैट इज वाई। सो जो ये जो है वो चेंज कैसे हो रहा था, हाँ ठीक है, अच्छा जी। अब यहां पर जो है वो ये आपके सामने आ गया, ये फ्लोएम किस तरह बना होता है, लेकिन उसके साथ साथ फ्लोएम के कुछ मजीद सेल्स भी होते हैं, जैसे आपको आगे जाकर भी पता लगेगा फ्लोएम के साथ कुछ सेल्स लगे हुए होते हैं जो फ्लोएम में फ्लोएम के अंदर की ट्रांसपोर्ट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी चीज फ्लोएम के अंदर आनी होती है वो इन सेल्स के जरिए आनी होती है, इन सेल्स को आप कहते हैं कंपेनियन सेल्स, इन सेल्स को आप कंपेनियन सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये असल में फ्लोएम के यू कह लीजिए सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने फ्लोएम के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट होगी उसका जिम्मा जो है वो इनके पास होता है, और ये एटीपी यूज करते हुए कोई भी सब्सटेंस जो है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं राइट फ्रॉम द टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल ये टिश्यू है ना, ये फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेटिक टिश्यू है जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहां से आप सुक्रोज को कैरी करवाएंगे तो ये पहले कंपेनियन सेल में आएगी, उसके बाद जो है फिर ये फ्लोएम में आएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट ट्रांसपोर्ट सम मटेरियल, डिटेल बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम जनरल आइडिया ले रहे हैं, डिटेल देखेंगे। आपके सामने आएगी एक प्रेशर फ्लो थ्योरी, ये वाली, ये पूरा पेज जो है ना और ये डायग्राम जो है ये हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है, लेकिन आधी तकरीबन कॉन्सेप्ट आधा वो आप लोगों को मैंने दे दिया। जी किसी का सवाल है, प्लांट में फ्लोएम की एक ही डक्ट होती है? बट बच्चे एक, ज्यादातर एक ही होती है, छोटे प्लांट्स जो होते हैं, अब यहां फिर फर्क आ जाएगा, जिन प्लांट्स के स्टेम बारीक हैं, स्टेम जो है वो थिन है, उनके अंदर एक ही डक्ट होती है वो सर्कल में, ठीक है। लेकिन जो है वो जो दूसरे प्लांट होते हैं जिनमें ज्यादा बड़े स्टेम होते हैं, थिक स्टेम होते हैं, डाइकॉट होते हैं, उनमें फ्लोएम ज्यादा हो सकते हैं। अब इसमें जो है वो आप लोगों को मजीद क्लियर दिखाने के लिए पहले हम इसको जो है वो इमेज के जरिए देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये यहाँ पे शायद आपको जो है वो डाइकॉट और मोनोकॉट का फर्क भी आपको यहाँ पर बता दे। ये देखिए, ये अंदर ये जो है यहां पर आप लोगों को ये डायग्राम इंटायरली गलत बनी हुई है, जाइलम हमेशा अंदर होता है, फ्लोएम बाहर होता है। ये देखिए, ये हाँ जी, ये डायग्राम अगरचे बहुत ही जो है वो कमजोर ग्राफिक्स हैं इसके, लेकिन ये डायग्राम आप देख लीजिए, अंदर की तरफ जाइलम है,
ठीक है, बाहर की तरफ फ्लोएम है। अब डिपेंड करता है फ्लोएम की थिकनेस और जाइलम की थिकनेस, वो डिपेंड करती है कि वो प्लांट जो है उसके अंदर कितनी नीड है किसी भी चीज की, या कितना मोटा स्टेम है या क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कॉर्ड आपके पास है, अंदर की तरफ जाइलम है, ठीक है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ काफी ज्यादा सेल्स हैं, ये जो ये बंडल कैप सेल्स हैं। ठीक है, ये जो ग्रीनिश एरिया है ना, ये गौर से देखिएगा, ये ग्रीनिश एरिया है असल में फ्लोएम, उसके ऊपर जो जामनी है वो बंडल कैप सेल्स हैं। वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा कि इसका फंक्शन क्या होता है। दरमियान में ये जो एरिया ना, ये वाला, ये फ्लोएम है, और इसके साइज से आप देख सकते हैं कि ये एक नहीं है बल्कि काफी ज्यादा है, ये डाइकॉट स्टेम का है। तो ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स बंडल कैप होते हैं, और असल में ये जो है वो सपोर्ट करते हैं प्लांट को, इनका काम सिर्फ सपोर्ट करना होता है। जैसे ये है, ये देखिए बहुत अच्छी डायग्राम है, जाइलम और फ्लोएम, इसमें रिंग्स भी दिखाए हुए उन्होंने, ठीक है, सारा का सारा। फिर ये एक रीजन इनलार्ज भी करके दिखाया हुआ है, ये देखिए बहुत आउटस्टैंडिंग डायग्राम है। ये स्टेम की एपिडर्मिस, उसके बाद असल में ये कॉर्क का टिश्यू आ जाता है, फिर बंडल कैप सेल्स हैं, उसके बाद ये फ्लोएम है, मैंने आपको कहा था फ्लोएम थिन होता है, और ये जाइलम है। ये देखिए जाइलम की डक्ट्स, जाइलम की डक्ट्स कम है, उनको सपोर्ट करने वाले ट्रैकेट्स ज्यादा है, तो इनमें भी फ्लोएम जो है वो होता थिन है लेकिन काफी ज्यादा सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है स्टेम टू स्टेम। अच्छा जी, यहां से आते हैं हम, काफी जो है हमने डिस्कशन इस हवाले से कर चुके हैं। अब यहां पर देखिएगा कि एक तो हमने ये बात थोड़ी सी कर ली कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं और कैसे जो है वो फूड मूव करता है। ठीक है, आगे आपने इस वाले टॉपिक को इसलिए याद रखना है कि इसी टॉपिक के ऊपर एक और टॉपिक आगे आ रहा है, प्रेशर फ्लो थ्योरी। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा रिलाय करता है आपके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम जो है वो रिवाइज, थोड़ा सा किसी हद तक रिवाइज करेंगे, लेकिन प्रेशर फ्लो थ्योरी हम एक ही लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि जो है वो अपसेटनेस ना हो। अच्छा, इसके बाद जो है वो आता है पैटर्न्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का पैटर्न क्या होता है? असल में पैटर्न्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का दूसरा मतलब है कि सम टाइम, बल्कि मोस्टली क्या होता है कि एक चीज है जो फूड का सोर्स है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि फूड का सोर्स क्या होता है, आमतौर पर लीफ होता है। ठीक है, इन सम केसेस स्टेम भी होता है। सोर्स जो है उससे जाना है आपका फूड सिंक तक, और सिंक क्या है, आपके फूड की डेस्टिनेशन है, जहां पे जाके उसको स्टोर किया जाएगा। सिंक वैसे तो आप उसको डेस्टिनेशन कहेंगे, लेकिन प्लांट के केस में आप उसको कहेंगे स्टोरेज ऑर्गन, जहां पर जाकर वो स्टोरेज, उसका उसकी स्टोरेज की जाएगी। अब यहां जो है वो आप लोगों को एक उसकी मैं मिसाल देने लगा हूं एक प्लांट की, कि मोस्टली क्या होता है पैटर्न्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसमें मोस्टली क्या होता है कि लीफ से फूड बनता है और सिंक में स्टोर होता है, लेकिन कुछ केसेस में यही सिंक जो होता है ये दोबारा से ये क्या बन जाता है, ये सोर्स बन जाता है, सिंक ही सोर्स बन जाता है। अब ये कैसे होता है, इसको जरा आप जो है वो पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक तो आपको समझ आ गया ना, एक तो सीधा साधा है, एक में तो कोई मुश्किल नहीं है, यानी सोर्स टू सिंक। सोर्स टू सिंक का क्या मतलब है, लीफ से स्टेम से स्टोरेज ऑर्गन या फ्रूट तक पहुंचाना। ठीक है, लेकिन दूसरा भी पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, उसको जरा देखिएगा, फ्रूट को भी सिंक कैसे, जी बच्चे फ्रूट को सिंक कह सकते हैं आप, ये गलत नहीं है। ठीक है, मैं दोनों को डिफर करके बता रहा था कि एक दफा कभी कभी रूट आ जाती है। ठीक है, अब वो रूट जो है वो अगर आ रही है तो वो भी सिंक है, क्योंकि रूट में आप स्टोर कर रहे हैं, अगर आप उसको फ्रूट में स्टोर कर रहे हैं तो वो भी सिंक है। देर इज नो बैड थिंग, देर इज नो नथिंग रॉन्ग इन कॉलिंग अ फ्रूट एज स्टोरेज ऑर्गन। ठीक है, सो आगे चलते हैं। ये देखिएगा कि आपका अनियन है, जो अनियन है उसका प्लांट जो है ऑब्वियसली एक खास अरसे तक वो करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके अब उसने जो है वो जो भी इसने फूड बनाया, अब वो फूड ग्लूकोज सुक्रोज जिस भी फॉर्म में वो फूड है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देती है, वो ट्रांसपोर्ट कर देती है अनियन में। ठीक है, वो अनियन में ट्रांसपोर्ट कर देती है और अनियन जो है वो फिर पककर तैयार हो जाती है। अब यहां पर जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक बात पता होनी चाहिए, और ये आपको पता भी होगा,
जो अनियन होती है या कम अज कम जो अनियन होती थी उसमें जो है वो बकायदा जब आप उसको जमीन से निकालते थे देन इट हैड सम रूट्स, ठीक है। और फिर आपको एक बात और भी पता है कि अनियन जो है, अगर आप उसको, वैसे तो अनियन के ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ से नहीं देख सकते, लेकिन अगर आपने अनियन को अंदर से ओपन किया हो तो उसके अंदर जो है वो फ्लैशी लीव्स होते हैं, फ्लैशी लीव्स होते हैं। और ये जो फ्लैशी लीव्स होते हैं असल में ये स्टोरेज कंपाउंड, इनके अंदर जो है वो स्टोरेज होती है, ठीक है, इनके अंदर स्टोरेज होती है। अब ये इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है बेटा कि इस वक्त जो है आपके पास ये सोर्स है और ये जो अनियन है ये, और ये रूट है, ये ध्यान में रखिएगा, दिस इज नॉट फ्रूट, ये जो है वो रूट के अंदर जो है वो एक स्टोरेज कंपाउंड है, ये रूट है। अब फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, यू टेक दिस अनियन एंड यू सो दिस अनियन इन टू द सॉइल, ठीक है। आप इसको जो है वो सो कर देते हैं, बो देते हैं जमीन के अंदर। अब जब आप इसको जमीन में बोएंगे तो जो सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये जो है वो, एक मिनट ठहरिएगा सिर्फ, हाँ जी, आपने इसको जो है वो जमीन में बो दिया। जब आप इसको जमीन में बोएंगे तो यहां से जो है वो अराइज होंगी क्या, रूट्स, इस जगह से रूट्स अराइज होंगी। और ये भी आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब आप एक दफा इसको जमीन में बो देंगे तो उसके बाद इसमें से कुछ स्पेशल किस्म के लीव्स निकलते हैं जिसको आप हरा प्याज भी कहते हैं और इसको गालबन थोम भी कहा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर से जो है वो लीव्स निकलते हैं। अब आप देखिए ये जो इसके ऊपर से लीव्स निकले हैं, इन लीव्स की फॉर्मेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आई? ये जो लीव्स निकले हैं इन लीव्स की फॉर्मेशन के लिए जितनी भी फूड थी, जो भी आपने ग्रोथ करनी थी, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आई बेटा? अब क्या होगा कि अब यही जो किसी जमाने में सिंक था, अब यही क्या बन गया है, नाउ दिस इज अ सोर्स, अब ये फूड का सोर्स है, ठीक है। यहां से फूड जो है वो ऊपर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और अब ये जो पत्ते हैं इनके अंदर ये सारा फूड जो है वो स्टोर कर दिया जाएगा। अब आप जब इस फूड को, अब आप इसको कुकिंग करते हैं तो जो सारा जायका होता है अच्छा खासा अनियन का, वो इन लीव्स में आ जाता है। और ये लीव्स भी वंस अगेन ग्रीन होते हैं तो ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो पैटर्न्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो केस मैं आपको बता रहा हूं, इस केस में ये जो है ये आपने रूट को दोबारा जमीन में बो दिया ना, ठीक है, ये आपने रूट को दोबारा जमीन में बो दिया। जो आप इसमें अब दूसरी बात जब करेंगे, चले हम इस वाली ये वाली बात भी कर देते हैं। अब सोर्स से वो जो फूड है वो किधर गया है, एज्यूम इट दैट इट हैज गॉन टू द गॉन टू अ फ्रूट, ठीक है। आप जो है उसको एक फ्रूट में भेज देते हैं, आप उसको फ्रूट में भेज देते हैं। अब जब आप इसको फ्रूट में भेजेंगे, नाउ दिस फ्रूट कैन नॉट ग्रो, दिस इज ओनली सोर्स, दिस इज ओनली सिंक, ये अब सिर्फ सिंक है, अब ये सोर्स नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो क्या मौजूद है, यू हैव गॉट द सीड्स इन साइड दिस एप्पल फ्रूट, ये सीड्स ग्रो करेंगे। तो ये सम प्लांट्स में ऐसे होता है, हर प्लांट में ऐसे नहीं हुआ करता, लेकिन ट्रांसपोर्ट के पैटर्न में ये भी हो सकता है कि लीफ टू रूट, ठीक है, लीफ टू रूट, और जब आप लीफ टू रूट कर चुके होते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप रूट टू लीफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सम प्लांट्स में ऐसे भी हो सकता है, पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको इस तरह भी रिपीट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ट्रांसपोर्ट अकर्स इनसाइड द फ्लोएम, दो टू वे ट्रांसपोर्ट हो सकती है। फ्लोएम में कौन से कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पता है कि हर तरह के फ्लोएम में सेम कंपाउंड्स नहीं होते। कभी आप प्याज को वैसे खाकर देखें जिस तरह सेब खाते हैं आप, तो बहुत अच्छा जायका आएगा, आपको पता लगेगा कि फ्लोएम में कौन से कंपाउंड्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको रियलाइज होगा। अगर आप ये बात जो है आपको समझ नहीं आ रही कि फ्लोएम में डिफरेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, तो आप एक दफा इन दोनों का तकाबुल कर लें, उसी तरह की फांक आप प्याज की भी खाकर देखें जिस तरह आप सेब की खाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि हर प्लांट सेम तरह का फूड ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ठीक है, बल्कि डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। जी जुरेज, क्या फरमा रहे हैं आप? मेरी वाली बात ही समझ रही। देखो नहीं समझ आई ना, जाओ खाओ, जाओ खा के देखो भाई। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हर फल का टेस्ट
डिफरेंट है। जो दो कंपाउंड्स को आप कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल वैसे अनियन और एप्पल को तो कंपेयर करना बनता भी नहीं क्योंकि अनियन रूट है, एप्पल फ्रूट है, ठीक है। लेकिन एक सर है समझ, हाँ हाँ मैं एक और कंपैरिजन करता हूँ ना, करेले का। अब करेला तो फ्रूट है, उसके अंदर तो सीड्स होते हैं, ठीक है, वो तो फ्रूट है, वो जो है उससे मुस्तफीद हो जाए आप जाके, ठीक है, उससे आप मुस्तफीद होंगे तो आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि जो उसका जो जायका है, जो करेले का जायका है और जो सेब का जायका है, इन दोनों का कंपैरिजन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि जिन जो इन दोनों के प्लांट्स में जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट हो रही है वो अदर देन फूड और चीजें भी ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। और आप लोगों को ये बात भी मैं बता दूं कि बहुत से प्लांट्स अपने फ्रूट को इसलिए मीठा रखते हैं ताकि उनका सीड ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो, लेकिन बहुत से प्लांट अपने फ्रूट को इसलिए कड़वा रखते हैं ताकि परिंदे आके उनके फ्रूट्स पर मुंह ना मारे और वो सारा फ्रूट खराब ना हो जाए, ठीक है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब आप दरख्तों से फल उतारते हैं तो वहां पे परिंदे बहुत सा फल खराब कर चुके होते हैं ऑलरेडी, तो बहुत से प्लांट्स अपने फ्रूट को इसलिए कड़वा रखते हैं, ये जेनेटिक्स है, एवोल्यूशन है। सो ये जो ट्रांसपोर्ट है इसमें डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स होते हैं फ्लोएम में। अब अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स है, जाहिर है फ्रूट को ओपन करना, उसका पूरा सोल्यूशन बनाना, उसको मेजर करना, वो इतना आसान नहीं है। एक जरिया है जिसके जरिए बड़ा ही आसान है कि आप जो है वो अंदाजा कर सकते हैं कि फलां के फ्लोएम में कौन से ऑर्गेनिक सोल्यूट्स हैं, फलां दरख्त के फ्लोएम में कौन से ऑर्गेनिक सोल्यूट्स हैं। सो लेट्स सी, ये देखिए ये जो डायग्राम है यहां पर, ये इस ये पतंगे टाइप ऑर्गेनिज्म है, ये अपना स्टाइलेट जो है, ये जिसको स्टाइलेट कहा गया है, ये इसको जो है वो दरख्त के जो नरम हिस्सा होता है, अगर कोई नरम तना होता है, ये स्टाइलेट है, ठीक है, नरम तना होता है, वहां पर ये उसको पेनिट्रेट करता है और पेनिट्रेट करके फ्लोएम में, सीधा फ्लोएम में लेकर जाता है। ये देखिए ये इन्होंने दिखाया हुआ है, और ये गौर करें इसके ऊपर, ये जो डक्ट जा रही है, ये असल में उसका स्टाइलेट है, ये स्टाइलेट है, ठीक है। अब ये स्टाइलेट सीधा अपना स्टाइलेट लेकर जाता है और सीधा फ्लोएम के सीव ट्यूब में लेकर जाता है। ये बिल्कुल वही हिसाब किताब है बेटा जैसे मच्छर होता है, मच्छर जो है वो हमारी स्किन में हमारा वो करता है, पेनिट्रेट करता है अपना स्टाइलेट, वो उसके बाद ढूंढता है, उसको फौरी तौर पे कैपेलनिन मिल जाती जी, ये पैरासाइटिज्म है जी। अब इसको फौरी तौर पर जो है वो नहीं मिल जाती, कैपेलनिन मिल जाती जैसे मच्छर करता है, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी फौरी तौर पर नहीं मिल जाती, बल्कि ये थोड़ा ढूंढता है, ढूंढ ढांड के अंदर से जो है वो निकालता है उसको फ्लोएम को, फ्लोएम में अपना स्टाइलेट पेनिट्रेट करता है और यहां से ये लेता है फूड। अब हम अगर इसके इसको पकड़ लें और इसके स्टाइलेट को मेजर करें ना, तो इसके स्टाइलेट में जो फूड होगा, जो जो कंपोनेंट्स होंगे, हमें पता लग जाएगा कि फ्लोएम में वही कंपोनेंट्स है। इसको स्टाइलेट में से फूड निकल, हाँ इसको पकड़ने की जरूरत नहीं, सच्ची बात हुई है, इसको पकड़ने की भी क्या लिखा हुआ कि दीज इंसेक्ट्स इंसर्ट देयर स्टाइलेट्स इनटू स्टेम और लीफ एंड एक्सटेंड टू पंक्चर अ सीव ट्यूब, पहले तो पंक्चर करते हैं। द प्रेशर इन द सीव ट्यूब सेल फोर्सेस सैप थ्रू एफिड्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड आउट इट्स पोस्टीरियर एंड एज ड्रॉपलेट्स कॉल्ड हनी ड्यू, यानी कि बहुत तेजी से जब आता है तो वो एक थोड़ा सा जो है वो उसमें से रिलीज भी हो जाता है, एफिड में से रिलीज हो जाता है, तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या कुछ मौजूद है। द कंपोजिशन ऑफ हनी ड्यू हैव रिवील्ड दैट इट कंटेन, अब यहां पर जो है वो हो सकता है किसी हनी ड्यू का उन्होंने जब कंपोजिशन डिटरमिन की हो, 10-20% जो है वो ड्राई मैटर होता है और 90% जो है वो सुक्रोज होती है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी हो सकते हैं 1%। सो इस तरह आप डिफरेंट तरह के फ्लोएम में जो भी चीज होती है उसको टेस्ट कर सकते हैं कि इसके फ्लोएम में क्या कुछ मौजूद है, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म के सोर्सेज यूज करके, ठीक है। ले जी कोई सवाल?